ने बेसिक ज्ञान लिए और 4-5 साल चले तो एडवांस में आ सकते हैं क्या? अरे ये आए कहाँ से सब? ये यहाँ क्लास में जितने बैठे हैं वो सब बेसिक से आए हैं या एडवांस में सीधे कूद पड़े? अगर कोई आए भी हैं डायरेक्ट एडवांस में, बेसिक में ज्ञान में नहीं चले हैं, तो भी पूर्व जन्म में जरूर बेसिक में आए होंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि ब्रह्मा की औलाद न बने हो। क्या ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण जरूर बनना पड़े? ये पहली मिशनरी है। क्या शूद्र से ब्राह्मण बनना? फिर दूसरी मशीनरी है, ब्राह्मणों को बाप आकर के देवता बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं, फिर ब्राह्मणों को बैठ शिक्षा दे करके ब्राह्मण से क्या बनाते हैं? देवता बनाते हैं। तो यहाँ ऐसा कोई आता ही नहीं है जो बेसिक में गए बगैर एडवांस में आ गया हो। और ये पंखा बंद कर, एसी की आवाज कान में आ रही है। राजू अभी बदले में आया कि सब अनिश्चित चक्र में आएंगे, माया हिलाएगी, तो राम वाली आत्मा जो अभी कंटिन्यू है, कंटिन्यू बाबा की याद में, वो अनिश्चय के चक्र में कंटिन्यू बाबा की याद में है, ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा ने तो सिर्फ 8 घंटे के लिए बोला है, कितना घंटे याद में रहना है? आप कंटिन्यू 24 घंटे की बात कैसे कर रहे हैं? ये आपको साक्षात्कार हुआ के सपना हुआ, ये आपने किस आधार पे कह दिया कि कंटिन्यू 24 घंटे याद में रहती है? हम जब क्लेरिफिकेशन सुनते हैं तो शंकर ये जो है ना, शिव माना शिव, तो माना कृष्ण, माना राम, शिव माना शिव अभी अंदर प्रवेश हुए है, ओके, और राम कंटिन्यू याद में है, कृष्ण कंटिन्यू याद में है, ये आपको किसने कहा? मुरली ने कहा? नहीं, मैंने वार्तालाप सुनी है। वार्तालाप में ऐसे कहा कहीं कि राम की आत्मा सदैव कंटिन्यू 24 घंटे याद में रहती है? अनिश्चय चक्र में आती है। राम की आत्मा अनिश्चय चक्र में क्यों आएगी? उसमें शिव का प्रवेश है या नहीं है? तो जिसमें शिव का प्रवेश है वो अनिश्चय बुद्धि कैसे बनेगी? वो कंटिन्यू याद में, इसलिए निश्चय बुद्धि है। अरे उसे तो इस बात का किराया ही मिलता है, लिफ्ट मिल जाती है। जो दूसरों को लिफ्ट नहीं मिलती है, भाग्यशाली रथ है, भाग्यशाली रथ, हाँ, इसी व्याप्त के लिए वो भाग्यशाली रथ कहा गया है। और बाबा एडवांस में आने के बाद भी कन्वर्ट होते हैं क्या? बाबा के बनने के बाद आखिर तक सतयुग में सब एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल के थे या नहीं थे? फिर द्वापर में जब आते हैं, द्वैतवादी युग आता है, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, तो कन्वर्ट होते हैं या नहीं होते हैं? कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ शूटिंग होती है, ये रिहर्सल हो रही है। बाप के बनते हैं पहले, बाप का संदेश मिलता है सारी दुनिया को, उसमें भी जो प्रजावर्ग की आत्माएं उनको तो छोड़ दो, लेकिन जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं संदेश लेती हैं कि भगवान आया हुआ है, और विकारी बनती रहती हैं, और लास्ट में जब भगवान बाप की संसार में प्रत्यक्षता होती है तो पवित्र रहने लगती है। क्या लास्ट में जाकर के सूर्यवंशी की प्रजा बन जाती है? तो ऐसी आत्माओं को भी
अनिश्चय बुद्धि बनना होता है या नहीं बनना होता है? जब राजाई पद पाने वाले ही अनिश्चय बुद्धि बनते हैं नंबर वार, तो प्रजा वर्ग में आने वाली आत्माएं अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेंगी, बनेगी, सब बनती हैं। हाँ, कभी विजय माला को भी ऊपर उठाते, कभी रुद्रमाला को भी ऊपर उठाते, हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि रुद्रमाला है डायरेक्ट रुद्र बाप के माला, और विजय माला जो है वो चंद्रवंश से आती है या सूर्यवंश से आती है? चंद्रवंश से आती है। तो चंद्रवंशी ने अच्छा काम नहीं किया होगा है? जो चंद्रवंशी है, चंद्रमा शीतल होता है या सूर्य की तरह गर्म होता है? तो जो चंद्रवंशी होंगे उनकी इंद्रियों में ज्यादा शीतलता होगी या जो सूर्यवंशी होंगे उनकी इंद्रियों में जास्ती शीतलता होगी? चंद्रवंशी जो पक्के होंगे उनकी इंद्रियों में ऑटोमेटिक शीतलता होती है इंद्रियों में, एक जन्म की नहीं अनेक जन्मों की शीतलता है। तो यहाँ ब्राह्मण युग में जब ब्राह्मण बनते हैं तो ऑटोमेटिक उनको ज्ञान लेने की उतनी दरकार नहीं है। जब भगवान बाप आते हैं तो किसको ज्ञान देते हैं, रुद्रमाला को या विजय माला को? क्यों? क्योंकि गर्मी में, हिंदुस्तान में गर्मी ज्यादा पड़ती है और यूरोप में ठंडी ज्यादा पड़ती है, तो ज्यादा विकारी कहाँ के लोग हैं? हिंदुस्तान के लोग ज्यादा विकारी है ना, ऐसे ही रुद्रमाला और विजयमाला है। जो चंद्रमा की औलाद है डायरेक्ट पक्के चंद्रवंशी, दूसरों के प्रभाव में आने वाले ना हो, ब्रह्मा कुमारियों में ऐसे हैं या नहीं है? जो चंद्रमा के फॉलो करने वाले हैं, किसी दूसरे देहधारी धर्मगुरुओं को मानने वाले नहीं है, तो ऐसी ऐसों की इंद्रियों में गर्मी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? कि 63 जन्म भी उनका जीवन ऐसा ही रहा है। क्या वरों शंभु न तो रहो कुंवारी, ऐसी एक की गायन नहीं है, ऐसी अनेक आत्माएं हैं जो विजयमाला को फॉलो करने वाली है। तो ऐसी जो चंद्रवंशी आत्माएं हैं उनकी जो विशेषता है वो बतानी नहीं पड़ेगी? नहीं बताएंगे? बताएंगे, लेकिन गड़बड़ क्या है सो भी बताएंगे। गड़बड़ ये है कि वो चंद्रमा के बच्चे तो हैं लेकिन शिव बाबा के बच्चे नहीं। लौकिक दुनिया में बच्चे पर किसकी छाप पड़ती है और बच्ची पर किसकी छाप पड़ती है? बच्ची पर माँ की छाप पड़ती है और बच्चे पर बाप की छाप पड़ती है। तो ये लक्ष्मी और नारायण दो आत्माएं ऐसी ही हैं, जो लक्ष्मी समान आत्माएं हैं उन पर चंद्रमा की छाप ज्यादा पड़ी हुई है, और जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उन पर रुद्र की छाप पड़ी हुई है। रुद्र जो रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, गुस्सा ज्यादा किनको आता है? ज्यादा विकारी होता है उनको ज्यादा गुस्सा आता है, जो निर्विकारी होते हैं उनको ज्यादा गुस्सा आता है, विकारियों को ज्यादा गुस्सा आता है। तो ये रुद्रमाला के मण के शास्त्रों में दिखाए गए हैं कि दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ रचा तो उन्होंने सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, ये सारी दुनिया में आग लगाने वाले हैं रौद्र गण। उनकी विशेषता ये है कि जो काम दुनिया नहीं कर पाती वो काम ये भगवान के बच्चे कर देते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, उनके फॉलोअर्स पुरानी परंपराओं को, पुराने धर्मों को, पुराने राज्यों को नष्ट कर सके? नहीं कर सके। अपना धर्म और चला दिया बीच में, पुराना भी चलता रहा दुनिया में और अपना भी चला दिया, तो मिक्स हो गया।
मिक्स में ज्यादा ताकत रहेगी या शुद्धता में ज्यादा ताकत होगी? मिक्स में ज्यादा ताकत रहेगी, शुद्धता में ज्यादा ताकत होती है। तो ये तो कोई धर्म पिता नहीं कर सके कि दुनिया का विनाश कर सके हो, ये काम भगवान बाप और उनके बच्चे ही कर पाते हैं। तो ये उनकी विशेषता है रुद्रमाला के बच्चों की, क्या जो काम दुनिया नहीं कर पाती वो काम भगवान बाप के बच्चे करते हैं। और हाँ, बाबा ने बोला है कि रुद्रमाला के मन के विजय माला में ऐड होंगे। रुद्रमाला पहले तैयार होती है, फिर रुद्रमाला के मन के विजय माला में ऐड होने से संपूर्ण बनते हैं, विजयी बनते हैं। विजयी बनना विकारों पर जीत पाते हैं। कौन सी क्वालिफिकेशन होगी तब वो रुद्रमाला का मंत्र विजय माला में ऐड होगा? संघ का रंग लगता है या नहीं लगता है? अरे प्रैक्टिकल में संघ का साकार, संघ का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। मुरली में बोला है आगे चल करके कुमारों की महिमा निकलेगी, बूढ़ों की महिमा निकलेगी, अधर कुमारों की महिमा निकलेगी, बूढ़ियों की महिमा निकलेगी, अधर कुमारियों की महिमा निकलेगी या युगलों की महिमा निकलेगी? युगलों की महिमा निकलेगी। बोला कि नहीं बोला? क्या कारण है जो युगलों की महिमा निकलेगी? वो कौन से युगल होंगे जिनकी महिमा निकलेगी? अकेले लक्ष्मी नारायण, अकेले लक्ष्मी नारायण होंगे क्या? विजय माला में जो मणके होते हैं वो सिंगल मणके हैं, सिंगल सिंगल आत्माएं हैं या डबल आत्माएं हैं? क्या प्रूफ है इसका? अरे मणका तो एक ही होता है विजय माला में, एक ही एक मिल मणका तो होता है, है? दो शरीर एक मत आश्रम आश्रमों में रह रहे हैं। माला भक्ति मार्ग में जो माला फिराई जाती है वो विजय माला एक एक मणका होता है या डबल डबल मणके होते हैं? तो सारे मणके जुड़े हुए होते हैं। जो ऊपर एक मणका है वो जुड़ा हुआ दिखाया गया है। तो क्या 109 मणके होते हैं? ऊपर के मणके को जोड़ करके 109 मणके होते हैं या 108 मणके ही होते हैं? 108 नीचे वाले होते हैं या ऊपर वाले युगल मणके को मिलाकर होते हैं? नीचे वाले जो मणके हैं वो 108 हैं, ऊपर जो युगल मणका है वो सिर्फ ये संबोधित करने के लिए दिखाया है कि नीचे के सारे ही मणके युगल हैं। क्या? और रुद्रमाला में युगल मणका नहीं होता है। रुद्राक्ष के जो मणके होते हैं, माला होती है, उसमें ऊपर जुड़ा हुआ मणका नहीं होता है। इससे साबित हो गया कि जो विजय माला है उस विजय माला में जितने मणके होंगे सब युगल होंगे। वो कौन से युगल होंगे जो ब्रह्मा बाबा ने डायरेक्शन दे करके युगल बना दिए, गंधर्व विवाह करा दिया, उनका नंबर आ गया क्या? है? तो कौन से मणके होंगे? ढेर सारे मणकों को ब्रह्मा बाबा ने ऑर्डर दे दिया कि तुम शादी करके रहो, मुरली में ये कह दिया कि पहले ही दिन ढेर हो पड़ेंगे, और ब्रह्मा बाबा ने उनको परमिशन दे दी। जैसे मुरली में परमिशन देते हैं, क्या शादी की परमिशन देते हैं? नहीं, क्या कहते हैं? शादी बर्बादी। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने शादी करा दी तो बाबा की श्रीमत की बरखिलाफी हो गई ना। ब्रह्मा बाबा तो लीनेंसी की बैठक में बैठे हुए हैं, कड़क बैठे हुए हैं या लूज बैठे हुए हैं? लूज बैठने का मतलब क्या है? हैं? आराम से। तो लूज का मतलब है कि बुद्धि जो है
उनकी स्ट्रिक्ट नहीं है मुरली के महावाक्यों के ऊपर। और शंकर को कैसे बैठा दिखाया, स्ट्रिक्ट। जो भी मुरली के महावाक्य हैं, एक एक मुरली के महावाक्य के ऊपर स्ट्रिक्ट होकर के डायरेक्शन देना है। क्या स्ट्रिक्ट होकर के रहते हैं, इसलिए वो बैठक स्ट्रिक्ट दिखाइए। माने मुरली अगर कह दिया शादी बर्बादी तो शादी नहीं करने देंगे, किसी को आज तक डायरेक्शन नहीं दिया होगा, चाहे कितना भी कोई रोए गिड़गिड़ाए चिल्लाए। बाबा क्या करते थे, कन्या है उसके घर वाले परमिशन नहीं देते हैं ज्ञान में चलने की, तंग करते हैं। कुमार है उसके घर वाले ज्ञान में चलने की परमिशन नहीं देते हैं, तंग करते हैं। वो अपनी कथा कहानी बाबा को आके सुनाते थे, अम्मा बेचारी को दया आ जाती थी, अच्छा तुम शादी कर लो। क्या बाबा तो चाहते हैं कोई युगल ऐसा निकले जो पवित्र रह करके दिखावे, बस डायरेक्शन दे दिया और शादी कर ली। दिल्ली में भी ऐसे कई युगल हैं जो शादी करके अभी इंचार्ज बने बैठे हैं, बंबई में भी ऐसे युगल हैं जो शादी करके इंचार्ज बने बैठे हैं, लेकिन किसी युगल का गायन नहीं है, महिमा किसी की नहीं निकली है। पवित्रता की तो महिमा निकलती है, तो वो युगल कौन से होंगे जिनकी महिमा निकलेगी, सिर्फ लक्ष्मी नारायण। हाँ, रुद्रमाला के मणके जो विजयमाला के साथ स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक होंगे और ईश्वरीय सेवा में भी लगेंगे, ईश्वरीय सेवा में लगकर और संसार में खुशबू फैलाएंगे, लोग देखेंगे कि ये साथ में रह करके सेवा करते हैं और इनकी आंखों में चमक दिखाई पड़ती है प्योरिटी की, इनके चेहरे में और दृष्टि में प्योरिटी की चमक दिखाई पड़ती है। वो चमक ही उन युगल मणकों की प्रत्यक्षता कराएगी और बाप को भी प्रत्यक्ष करेंगे, बहुत महिमा निकलेगी ऐसे युगलों की। और वो समय 2018 की बात कर जो युगल पावन बनते जावेंगे, प्रैक्टिकल प्रूफ जिनका मिलता जावेगा उनके लिए बोला। इसलिए मुरली में बोला है पतितों को पावन बनाने में, तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। वो 40 से 50 वर्ष कब की बात है, 76 से लेकर 40 वर्ष पूरे होते हैं 2017-18। 40 वर्ष पूरे हुए जरूर कोई एक युगल निकलेगा, क्या उसके बाद फिर नंबर लगते जावेंगे। माला बनने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, एक के निकलने से, आठ के निकलने से एकदम राजधानी स्थापन हो जाएगी, नहीं। 108 मणके तैयार होंगे तो 10 साल और दिखा दिए, जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे और फिर वो 108 युगल मणके संसार में चारों ओर अपनी खुशबू फैलाएंगे, महिमा निकलेगी उनकी। एक एक धर्म के बीज होंगे या सभी धर्मों के बीज होंगे, है वो 108 मण के होते हैं, सिर्फ एक ही धर्म के या सभी धर्मों के अधिपति हैं, सभी धर्मों के मुखिया हैं, चुने हुए मण के हैं। और मुरली में अभी बोला कि ब्रह्मा खोपड़ी में परमात्मा आता था, नहीं आता था, आता था 51 से 69 तक। नहीं, अच्छा क्या? नहीं, मुरली में तो बोला है जब से पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, ब्रह्मा बाबा मुरली लिखते थे, बाप लिखवाते थे,
फिर जब बंटवारा हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो बंटवारा होने के साथ ही साथ सिंध हैदराबाद में जिनको 7-7 तालों के अंदर बंद करके रखा गया था, वो सब स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्र होकर के ब्रह्मा बाबा के पास पहुंच गए। ब्रह्मा बाबा के पास कन्याओं माताओं की भीड़ लग गई। पहले अकेले रहते थे, अकेले भागे थे सिंध हैदराबाद से, फिर भीड़ लग गई तो नशा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? है शिव शक्तियां हैं तो शक्तियों का नशा नहीं चढ़ता है? शक्तियों का नशा चढ़ा तो एकदम मुरली चलाने लग पड़े। तो मुरली कब से निकलती चली आई है? कराची से मुरली निकलती चली आई है। सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो मुरली निकलना शुरू हो गई। उस समय से मुरली निकलती है, लेकिन इकट्ठे रहते थे या बिखरे हुए थे? कोई भी चलाता हो, बाप प्रवेश करके चलाते थे। हाँ, तो उस समय सन 47 में जो मुरली निकलती थी, वो मुरली की कापियां निकाली जाती थी, सब बिखरे हुए थे या एक जगह रहते थे? बिखरे हुए थे। कराची में एक जगह रहते थे बंगले में, फिर जब वहां से छोड़ करके माउंट आबू आए तब बिखराव शुरू हुआ। ईश्वरीय सेवा के लिए चारों तरफ जाने लगे तो कापियां निकालने की जरूरत पड़ेगी या नहीं? तब कापियां निकाली गई, तब गीता बनी। शिव परमात्मा कंटिन्यू उनकी याद में रहते थे यानी सुबह? फिर भाई कंटिन्यू तुम्हारी बुद्धि में घुस गया। बाबा मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि सुबह आते थे और शाम को भी आते थे, फिर बाद में बाबा दूसरों बच्चों में प्रवेश करते थे और कार्य कर रहे थे। कौन से बाबा? शिव बाबा की बात कर रहा हूँ। शिव बाबा सर्वव्यापी भी है? जो हमने सुना उसकी कौन सी मुरली में सुना है कि शिव बाबा सर्वव्यापी है? बताया तो तुमने कहा मालूम? तुमने अभी से शुरू कर दिया सर्वव्यापी? शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है। शिव बाबा कहते हैं मैं एक ही मुकर्रर रथ में आता हूँ। वही ना, फिर बात। मैं एक मुकर्रर रथ में आता हूँ। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव बाप आया, कोई साबित ही नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है तो वो हिरण्यकश्यप है, चाहे वो प्रजापिता ही क्यों न हो। अगर कहता है कि मेरे अंदर शिव बाबा है, मैं शंकर का पार्टधारी हूँ, मैं भगवान का रूप हूँ, मैं राम वाली आत्मा हूँ, अगर वो कहता है या उसकी वाणी कहीं भी VCD में टेप रिकॉर्डर में भरी हुई है या उसका कोई ईमेल ऐसा मिलता है या कोई भी प्रूफ ऐसा मिलता है, तो वो भी हिरण्यकश्यप है या देवता है? वो भी हिरण्यकश्यप। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि शिव बाबा सर्वव्यापी है। हाँ, मम्मा बाबा की आत्माएं बच्चों में प्रवेश कर सकती है, वो अभी भी प्रवेश कर रही है, सर्विस कर रही है। मुरली में ये महावाक्य है बाबा, आज बाबा हमारे स्तन में आकर मुरली चला के गया। वो कौन कहता है? ब्रह्मा। आज बाबा हमारे तन में आके मुरली चला के गया, आज मम्मा आई मुरली चला के गई, ये कौन कहता है? बच्चे। तो बच्चे झूठे हैं या सच्चे हैं? वो कहते हैं, कहने दो, हम थोड़े ही मानेंगे। हमें तो बाबा ने सिखा दिया है मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, ये तो बहुत बड़ी गाली हो गई। मुसलमानों के सामने कोई कहे मैं मेरे अंदर भगवान आता है, मैं अल्लाह हूँ, तो क्या करेगा? सच्चा मुसलमान हो एक झापड़ मारेगा। हम भी बेहद के मुसलमान हैं, मुसलिम ईमान माने मुसलमान, हमारा भी ईमान, हम बेईमान हैं कि ईमानदार है? शिव बाबा ने हमें सिखा दिया तो हमने ईमानदारी से सीख लिया क्या कि शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है? फिर भी हमारे सामने अगर कोई ऐसे कहता है तो हम तो ज्ञान का थप्पड़ जरूर मारेंगे। और बाबा मुरली में कहा है कि एक ज्ञान में आया तो सारा परिवार आता है। हाँ, लेकिन परिवार तो कौन आता है एक ज्ञान में? क्या बीके वाले? नहीं,
बीके वालों में से एक ज्ञान में आ जाएगा तो सारे उसके परिवार वाले ईश्वरीय ज्ञान में आ जाएंगे। हाँ हाँ, बीके वालों के भी लौकिक परिवार वाले, ये कोई नियम नहीं है। नियम यह है कि एडवांस में जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि मैंने बाप को पहचान लिया, बाप का एड्रेस ये है, बाप का नाम रूप ये है, तो ऐसे जो पहचानने वाले हैं उनके लिए बात लागू होती है कि उनका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। क्यों चलेगा? बेसिक वालों का क्यों नहीं चलेगा? इसलिए चलेगा कि एडवांस में आने वालों का जो लौकिक परिवार वाले हैं, उन लौकिक परिवार वालों में कोई ऐसा परिवार नहीं निकलेगा जिसने एडवांस में आने वाले भांति को घर से निकाल दिया हो हमेशा के लिए। बार बार बुलाते हैं कि घर से निकाल देते हैं? बार बार बुलाते हैं। और बेसिक वाले क्या करते हैं? लात मार के निकाल देते हैं। तो फिर अपने कौन हुए? हैं? अपने लौकिक घर वाले अपने हुए या बेसिक वाले अपने हुए? लौकिक घर वाले अपने हुए। तो बेसिक वालों के लिए प्रेफरेंस मिलना चाहिए ईश्वर का, या एडवांस वालों के लौकिक घर वालों को प्रेफरेंस मिलना चाहिए? एडवांस वालों के जो लौकिक परिवार वाले हैं उनको ये प्रेफरेंस ईश्वर की तरफ से मिलता है कि एक भी एडवांस वाला अगर ज्ञान में चलेगा तो उसका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, प्रजा वर्ग में तो जरूर आएंगे। लेकिन पद ऊंचा बेसिक वालों का होगा या जो लौकिक परिवार वाले हैं एडवांस उनका होगा? बेसिक वालों में दूसरे धर्म के नहीं है, है ना? बेसिक वालों में जैसे एडवांस वालों में भी दूसरे धर्म के बीज हैं, ऐसे बेसिक वालों में भी दूसरे दूसरे धर्मों के बीज हैं। उनमें से 10% ऐसे भी हैं जो चंद्रवंशी पक्के हैं। जो चंद्रवंशी पक्के हैं, मान लो लक्ष्मी है या उसकी जो भी भुजाएं हो, वो एडवांस में आज नहीं तो कल आवेंगी या नहीं आवेंगी? और जब आवेंगी तो प्योरिटी की पावर से लास्ट सो फास्ट जावेंगी कि धीमी गति से जावेंगी? लास्ट सो फास्ट जावेंगी। तो उनके लौकिक परिवार वाले नहीं आवेंगे? हैं? उनके लौकिक परिवार वाले भी आवेंगे। बाबा के बनने के बाद कमाल है। जब वैद्य बीमारी की दवा करता है तो बीमारी बढ़ती है या घटती है? बीमारी निकल के बाहर आती है कि अंदर की अंदर दबी हुई रह जाती है? 63 जन्म की बीमारी जो पाप है वो बाहर नहीं आने चाहिए, अंदर ही दबा के ले जाएंगे परमधाम में? है? ये भी प्रश्न बहुतों को आता है, अरे जब हम भगवान के बच्चे बन गए तो फिर हमको इतने विघ्न क्यों आते हैं, इतने दुख क्यों आते हैं, फिर तो हम सुखी होने चाहिए। अरे तुम भगवान के बच्चे बन गए, जैसे बाबा मिसाल देते हैं, वो गुरु लोग जो होते हैं उनके फॉलोअर्स अपन को फॉलोअर्स कहते हैं फॉलोअर्स, लेकिन लंगोटी लगा करके गुरु के पीछे पीछे नहीं चलते, रहते गृहस्थ में है तो फॉलोअर्स हैं, है? सच्चे फॉलोअर्स हैं या मुंह का बक्का लगाया हुआ? ऐसे यहाँ भी है, कहते हैं हम भगवान के बन चुके, भगवान हमारा मम्मा बाप है, हम तो नया जन्म ले चुके, अब हमारा दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन क्या ऐसा है? है? इसलिए बाबा मुरली में ताहना देते हैं। मुरली में बाबा बोलते हैं, जब हेवेनली गॉड फादर के बच्चे हम हैं तो हम हेवेन में होना चाहिए, हम नरक में क्यों पड़े हैं? क्यों पड़े हैं? अरे अरबपति करोड़पति का बच्चा हो, मल्टी मिलियनेयर का बच्चा हो, टाटा बिरला के घर में पैदा हुआ बच्चा हो, तो एक एक पैसे के लिए मोहताज रहेगा क्या? रह सकता है? हैं? नहीं रह सकता।
कैसा भी लूला लंगड़ा लुच्चा लफंगा कैसा भी बच्चा पैदा हुआ हो, बुरे से बुरा कोड़ी बच्चा भी क्यों नहीं पैदा होगा टाटा बिरला के घर में, तो पैसे के लिए दुखी रहेगा है? हम भगवान के बच्चे तो हम दुखी क्यों हैं? इसका मतलब हम भगवान के बच्चे कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे बन गए, दुनिया को सुना सुना के कहते हैं, लेकिन अंदर से झांक के देखें भगवान के तो क्या हम देवताओं के भी बच्चे नहीं बने? देवताओं के बच्चों में देवताओं जैसे गुण होने चाहिए कि नहीं है? अब भगवान के गुण तो देवताओं से भी ऊंचे होते हैं या नीचे होते हैं? उनके गुण तो और भी ज्यादा क्रॉस कर जाते हैं देवताओं को। तो ये कहना तो आसान है, हम भगवान के बन गए तो हमें दुख क्यों आते हैं, हमको माया क्यों पकड़ती है? अरे माया इसीलिए पकड़ती है क्योंकि भगवान बापन ने डायरेक्शन दिया है माया को, क्या? हे माया बेटी, जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको तुम खूब भटकाओ। संकल्प की बात कर रहा हूँ, संकल्प अच्छे रहे तो मन अच्छा रहता है, पर संकल्प बुरे रहे तो माया की प्रवेश क्या होती है? माया क्या चीज है? मां माने नहीं, संस्कृत में मां शब्द का अर्थ है नहीं, आया माने आया, माया माने नहीं आई होती तो अच्छा था। ये 63 जन्म के जो पाप पुण्य किए हुए हैं ना, ये अच्छे बुरे संकल्पों के रूप में रील में घूमते ही हैं ब्राह्मण जीवन में, शूटिंग हो रही है ना। हाँ, तो 63 जन्म के जो पाप कर्म हैं वो अभी ब्राह्मण जीवन में दुष्ट संकल्पों के रूप में आते रहते हैं, हम न चाहें तो भी आते हैं, अच्छे संकल्प भी आते हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे संकल्प भी आते हैं, बुरे कर्म किए हैं तो बुरे संकल्प भी आते हैं। अब तरीका बता दिया, बिंदी की याद में टिक जाओ, फुल स्टॉप लगा दो, अच्छे से भी परे हो जाओ और बुरे से भी परे हो जाओ। जब ऐसी हो ही नहीं सकते तो परमधाम जा भी नहीं सकते, हो ही नहीं सकते तो परमधाम जा भी नहीं सकते। जो अव्वल नंबर में होगा वो अव्वल नंबर में परमधाम जाएगा, परमधाम अव्वल नंबर में जाएगा तो स्वर्ग में भी अव्वल नंबर में आएगा। तो शुभ शुभ बोलना चाहिए या अशुभ बोलना चाहिए? हैं? शुभ बोलो ना? क्यों करते? क्या लक्ष्मी? हाँ, कब? अमावस्या। लक्ष्मी का आवाहन करते हैं ना, है? लक्ष्मी का जो आवाहन करेंगे, आवाहन करने वाले अज्ञान की रात्रि में हैं, घोर अज्ञान की रात्रि में हैं। अमावस्या को घोर रात्रि होती है ना, जब घोर अज्ञान की रात्रि में होते हैं तब लक्ष्मी का आवाहन करेंगे, या ज्ञान के घोर सोजरे में है तब आवाहन करेंगे? अज्ञान की घोर अज्ञान की रात्रि होती है ब्राह्मणों की दुनिया में। अभी रात्रि शुरू हो गई है, इसलिए अव्यक्तवाणी में डायरेक्शन दे दिया है, क्या? विजय माला का आवाहन करो। तो लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए डायरेक्शन तो दे दिया, लेकिन कोई करते हैं? कोई नहीं, कोई नहीं करते। आएगी कब? कब आएगी? जब आवाहन करेंगे तब आएगी, लेकिन जब दुख बहुत पड़ेगा तब आवाहन करेंगे, या थोड़ा थोड़ा दुख पड़ता है तो आवाहन करेंगे? जब ज्यादा दुख पड़ेगा तो खूब आवाहन करेंगे।
लक्ष्मी का आवाहन करेंगे घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि में। ऐसी अज्ञान की अंधकार की रात्रि हो जाएगी कि शिव बाबा की मुरली भी सन्मुख नहीं सुनने को मिलेगी। क्या शिव बाबा के रथ को एकदम गुप्त होना पड़ेगा। अभी भी गुप्त रहता है कोई कोई के लिए ही नहीं कि सबको अवेलेबल है, हैं? सबको अवेलेबल नहीं है। 2000 में ही ये अव्यक्त वाणी में बोल दिया। दुनिया वालों की नजरों में बाप गुप्त हो गए और बच्चों के सामने बाप प्रत्यक्ष। अभी ये गुप्त होने की स्थिति बढ़ती जावेगी या घटती जावेगी? क्यों बढ़ती जावेगी? क्योंकि अव्यक्त वाणी में बोला है क्रोधी बच्चों से बाप नहीं मिलेंगे। क्या जो अभी भी क्रोध अपना नहीं छोड़ पा रहे हैं उनसे बाप नहीं मिलेंगे? और जिसमें क्रोध आता है उसमें काम का अंश होता है या नहीं है? उसमें काम विकार का भी अंश, काम और क्रोध जिसमें होते हैं उसमें लोभ मोह अहंकार भी जरूर होगा। तो जो विकारों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, उनसे बाप मिलना बंद कर देंगे तो मुरली सामने सुन सकेंगे? मुरली में तो बोला है जो सन्मुख सुनते हैं वो फर्स्ट क्लास मुरली, जो टेप रिकॉर्डर से सुनते हैं वो सेकंड क्लास मुरली, जो कागज से पढ़ते हैं सुनते हैं वो थर्ड क्लास मुरली। तो कोई थर्ड क्लास पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई सेकंड क्लास पढ़ाई पढ़ते हैं, जो फर्स्ट क्लास पढ़ाई पढ़ते हैं तो ज्यादा फायदे में कौन रहते हैं? फर्स्ट क्लास पढ़ाई पढ़ाने वाले, ज्यादा उनको नशा चढ़ेगा। मुरली में भी बोलते हैं बच्चे सन्मुख आते हैं, क्लास करते हैं बाबा का तो बड़ी खुशी में आ जाते हैं, बाहर की दुनिया में जाते हैं तो टेप रिकॉर्डर से कागज से मुरली सुननी पड़ती है, फिर उतना नशा नहीं करता। तो ऐसे ही है, आगे चल करके घोर अज्ञान की रात्रि होगी। जैसे मुरली में बोला विनाश कब शुरू होगा, उसकी निशानी क्या होगी? जब विनाश शुरू होगा उसकी एक खास निशानी बताइए। पहले विनाश का कौन सा पॉइंट सामने आवेगा? अकाल पड़ेगा। क्या होगा? अकाल पड़ेगा, पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। तो ये बेहद में लगा दो। क्या? ज्ञान की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। जब बूंद भी पानी की नहीं मिलेगी तो याद आएगी या आना बंद हो जाएगी? याद भी नहीं आएगी। ज्ञान जितना गहरा बुद्धि में होता है तो याद भी उतनी गहरी लगती है, और ज्ञान जितना कम होता है तो याद भी उतनी कम होती। तो दोनों बातें चलेंगी, स्थूल में भी अकाल पड़ेगा और बेहद में सूक्ष्म में भी ज्ञान जल का अकाल पड़ने लगेगा, अज्ञानता ही अज्ञानता फैलेगी। बाद 18 के बाद लक्ष्मी गुप्त हो जाएगी या प्रत्यक्ष होने लगेगी? फिर अभी देखें, बुद्धि में दुनियावी बातें ज्यादा चलती रहती हैं, ये एडवांस ज्ञान ज्यादा चलता रहता है। धीरे धीरे ये आकार बढ़ता जावेगा या घटता जावेगा? बढ़ता जावेगा। तो जब घोर अज्ञान की अंधेरी रात अमावस्या हो जाएगी, ब्राह्मणों की दुनिया में भी, बाहर की दुनिया में भी, बेसिक वालों की दुनिया में तो अभी भी है,
क्योंकि ज्ञान सूर्य बाप को उन्होंने नहीं पहचाना है। तो जब ऐसी घोर अज्ञान की रात्रि होगी जिसको कहते हैं महाशिवरात्रि, तब आवाहन करेंगे। बाबा तो बोलते हैं अवतरण, बाबा का अवतरण हुआ है। आपकी ये बात हल हो गई कि अमावस्या के दिन क्यों आवाहन करते हैं? अब दूसरी बात बताओ क्या? बाबा का अवतरण उसमें बोलते हैं शिव बाबा ब्रह्म आते हैं। मुरली में बोला है सो बात मानेंगी, या देहधारी मनुष्य बोलते हैं वो ज्यादा बातें बुद्धि में याद रहती है? मुरली में तो ये बोला है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में शिव बाबा नहीं आते हैं। मैं सूक्ष्म वतनवासी फरिश्तों में आऊंगा या स्थूल वतनवासी पतित मनुष्यों में आऊंगा? मैं तो पतित मनुष्य में आता हूँ। मुरली को कितना योग्य माना जाए? उस मुरली को कितना योग्य माना चाहिए? कितना योग्य? कितना योग्य माने मुरली भी अयोग्य होती है? नहीं, जो अभी चल रही है गुजारी दादी के अंदर से जो बोला जा रहा है योग्य माना जाए। मुरली नहीं चलती है, वो मुरली नहीं है। मुरली नाम देहधारी गुरुओं ने दे दिया है, वो अव्यक्त वाणी है। तो उसको कितना योग्य माना जाएगी, उसमें कितना स्पष्टीकरण? अव्यक्त वाणी का एक भी महावाक्य ऐसा नहीं होगा जो मुरलियों के वाक्यों को काटने वाला हो। आपके पास कोई ऐसा वाक्य हो तो बताओ। एक भी वाक्य ऐसा नहीं है अव्यक्त वाणी का जो मुरलियों के महावाक्यों को काटने वाला। इसका मतलब अम्मा की वाणी भी शिव बाबा की वाणी के पैरेलल चलती है, क्रॉस करने वाली वाणी नहीं है। तो उसे मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? उसे हाँ, अंतर यह है कि ब्रह्मा वाली आत्मा देवता की आत्मा है, सोलह कला संपूर्ण कृष्ण की आत्मा है। देव आत्मा धारणा की वाणी सुनाएगी या ज्ञान की वाणी सुनाएगी? तो धारणा की वाणी आती है, बाकी ज्ञान की वाणी नहीं है। जो ज्ञान चक्षु खोल दे धारणा की वाणी है, ईश्वरीय वाणी नहीं कहेंगे। ईश्वरीय वाणी सिर्फ धारणा ही नहीं सिखाती, क्या चारों ही सब्जेक्ट सिखाती है, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो वैल्यू है या नहीं है? ब्रह्मा की वाणी को भी वैल्यू देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। अगर हम देवता बन चुके हैं तो मत दे वैल्यू दो, लेकिन ऐसा तो कोई कह नहीं सकता कि हम देवता बन चुके हैं। नहीं बने हैं तो वैल्यू तो देना पड़ेगी। और ब्रह्मा शिव बाबा ने बोला कि ब्रह्मा को कर्म में फॉलो करो, और शंकर यहाँ हमारा स्ट्रिक्ट आत्मा है। शंकर नाम नहीं लिया बाप को, शंकर एक्सटिंक्ट है। शंकर का नाम मत लो, शंकर वाली आत्मा ही अलग है। शिव बाप, हाँ, बाप को फॉलो करो आज्ञाओं में। हाँ, बाप जो आज्ञा देते हैं उसको फॉलो करो, और ब्रह्मा वाले जो कर्म करे जो कर्म किए उनको फॉलो करो। दुनिया में भी घर घर में अम्माएं ज्यादा अच्छे कर्म कर रही हैं कि बप्पाएं ज्यादा अच्छे कर्म कर रहे हैं? है? अम्मा अच्छे कर्म करती है फिर भी धारणा की कर्म करती है, और बाप तो जैसा बुद्धि में आ गया बस वो समझते हैं कि हमारे घर में तो हम ही भगवान हैं, हम ही राजा हैं, तो उल्टे पलटे जो मन में आया सो किया। इसकी शूटिंग क्या होती है? हम ही राजा है, हम ही राजा है, तो बता तो रहे हैं, पूछ रहे हैं ना। वो पूछ रहे हैं ना कि मुरली में बोला है शिव बाबा ने कि बात मेरी मानो, माने आज्ञाएं मेरी मानो, और कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो, मेरे को फॉलो मत करो, ब्रह्मा बाबा को कर्मों में फॉलो करो। मैं जो डायरेक्शन देता हूँ मुख से, उन डायरेक्शंस को तुम मानो,
मेरे को मत देखो मैं क्या करता हूं। और यही सवाल है कि कर्मों में अगर ब्रह्मा को हमने फॉलो किया तो मुरली में एक वाक्य महावाक्य आता है कि इतना भी मीठा मत बनो कि चींटियां लग जाए। हैं? इतना भी मीठा मत बनो कि चींटियां लग जाए। चींटे लग जाने दो, चींटों का पाप कर्म बनेगा कि नहीं? चींटों का पाप कर्म बनेगा ना? चींटों को धर्मराज सजा देगा या नहीं देगा? है? तो हमारे पाप कर्म भस्म होंगे या नहीं होंगे? चींटे जब हमें काटते हैं तो हमने पूर्व जन्म में चींटों को काटा होगा कि नहीं काटा होगा? तो हिसाब किताब पूरा होगा या नहीं होगा? हाँ, अगर तुम्हें घाटा लगता है बाप की वाणी में तो बताया, तो ये रास्ता बताया। तुमसे सहन नहीं होता है तो ये रास्ता बताया। हमें हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। हाँ, अगर तो बाप दादा भी होते हैं। हाँ, तो कुछ आत्माएं फायदा भी उठाती है। क्या फायदा है? कुछ आत्मा फायदा भी उठाती है, जैसे सूर्यवंशी जो आत्मा रहती है वो किसी को दुख भी नहीं देती और किसी का दुख भी नहीं लेती। तो इसके बारे में आप बोलिए कि बाबा कैसे बदलाव करना है। एक तरफ कर्मों में ब्रह्म को फॉलो कर रहे हैं, सूर्यवंशी आत्माएं नंबर वार है या एक जैसी है? नंबर वार है तो क्या दुख लेती नहीं है? सूर्यवंशी आत्माएं दुख लेती नहीं है दूसरा का? कोई गाली देता है, कोई ग्लानी करता है तो दुखी नहीं हो जाती? तो दुख लिया या नहीं लिया? एक वार्तालाप में आया था, बाबा ने खुद बताया था कि सूर्यवंशी क्वालिटी की जो आत्मा होगी ना वो किसी को दुख नहीं देगी और ले भी नहीं। वो क्वालिटी अभी आ गई है, संपूर्णता की गायन और चित्र बनता है या अपूर्णता का चित्र और गायन बनता है? वो धारण कर रहे उस गायन को। अभी एक भी पक्का सूर्यवंशी नहीं बना है। अगर एक भी पक्का सूर्यवंशी बनेगा तो उसके संग के रंग में जो भी आवेंगे, जो मुरली में बोला बाप इस तरह प्रत्यक्ष होगा कि जो देखे इन आंखों से बाप को, जो कानों से सुने बाप को, उसके मुख से निकले मेरा बाप आ गया। दृष्टि में ही इतनी पावर होगी, उसकी वाणी में ही इतनी पावर होगी, कान से सुनने मात्र से ही परिवर्तन होने लगेगा, उसको कहेंगे सूर्यवंशी। सूर्य के सामने कोई रहे और कहे कि मैं अंधकार में हूं, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। बाबा मुरली में एक महावाक्य आता है कि चित्ते पिछले ब्राह्मण फंस गया, तो ये कौन से ब्राह्मण की बात है, राम वाली आत्मा या ब्रह्मा होगा? दोनों ही ब्राह्मण हैं। बाकी जो ज्ञानी होगा वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं फंस गया, जो अज्ञानी होगा वो कहेगा मैं फंस गया, वो फंसने वाली बात उनको याद आएगी। और बाबा अव्यक्तवाणी में बोलते हैं ब्रह्मा बाबा है? नहीं, ब्रह्मा बाबा जब आते हैं तो बोलते नए जो आए हैं वो उठो है? नए जो आए हैं वो उठो तो वेद के लिए बोलते हैं या वहाँ बैठे हुए उनको ही बोलते हैं? ब्रह्मा की आत्मा गुलजार दादी में हद में पार्ट बजाए रही है कि बेहद में भी पार्ट बजाए रही है? दोनों तो दोनों में लागू होती है। हाँ, पहली लाइन वाले का मतलब जो पहले पहले आए हैं एडवांस में वो पहली लाइन वाले हैं, जो पीछे पूछे आए हैं माने अभी बाद में आए हैं। और बाबा यज्ञ आदि में प्रजापिता के शरीर छोड़ने के बाद दो माताओं में शुभ आपकी प्रविष्ट हुई, तो दो माताओं में हुई ऐसे नहीं कह सकते, गीता माता में हुई है? गीता माता में आगी आगी। तो वो जो वाणी चली उसको मुरली कहेंगे या वाणी कहेंगे? वो लिखाते थे, मुरली नहीं चलाते थे। मुरली चलती है तो चारों ओर आवाज फैलती है। लिखाते थे ब्रह्मा बाबा बैठ लिखते थे अमृत वेले। नहीं, 42 से 47 तक। हाँ, जो गीता माता द्वारा जो वाणी चली वो ब्रह्मा बाबा लिखते थे अमृत वेले अकेले बैठ के, और शिव बाबा लिखाते थे।
और इसको वेदवाणी कह सकते हैं। वेदवाणी वेदों के रूप में छपी हुई भी मिलती है कि नहीं मिलती है? तो कराची में जो वाणी चलाई गई वो छपी हुई मिलती है? नहीं मिलती, उसी उस समय छपाई ही नहीं जाती थी। एक बार लिख लिया, सवेरे को सबको सुना दिया, खत्म। उसको पीयू की वाणी नहीं कह सकते? पीयू बाप को कहा जाता है, स्त्री चोले को बाप नहीं कहा जाता। और माताओं के तन में आते थे, और माताओं के तन में जो आते थे वो वाणी चलाते थे, वो सुनते क्यों अगर विरोधी वाणी होती? ये तो बाद में दो फाड़े हो गए, एक एंटी पार्टी हो गई, एंटी ग्रुप हो गया, और एक ये ग्रुप हो गया जो अपने को ब्रह्मा कुमार कहते हैं। जब पीयू जिंदा था तब चलती थी कि मरने के बाद चलती थी? उस समय चलती थी। जब झगड़ा हो गया तो पीयू की वाणी से नफरत हो गई सबको। और जमीन में दबी हुई है, दबा के रखी गई है, निकल भी सकती है, हो सकता है उसके कागज सड़े हुए भी निकले। कराची में दफनाई गई है उस मेहर के नीचे। दफनाया शरीर जाता है पानी को बाबा ज्ञान। एक भक्ति मार्ग की बात बोलता हूँ, ज्ञानेश्वर ने दीवार चलाई, ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वर दीवार पे बैठते है और दीवार चली, उसका बेहद का जो बातें उनके भगत लोग बोलते हैं वो कितनी सच्ची है इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है? देख, अनर्गल बातें होती हैं, भक्ति मार्ग में चलाई जाती हैं। उनका अर्थ यही हुआ कि विघ्नों की दीवार है ज्ञान मार्ग में। कोई सच्चा ज्ञानेश्वर है? वो सच्चा ज्ञानेश्वर वो विघ्नों की दीवार जो है माया, विघ्नों की दीवार बनती है ना। मुसलमान लोग जब जाते हैं अपने इबादत घर में तो सामने क्या होती है? दीवार होती है, तो वो दीवार की पूजा करते हैं दीवार में जाकर के। तो उस दीवार को भी ज्ञानेश्वर ने चलाया। चलाया का मतलब सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, आधार मूर्त हों चाहे बीज रूप हों, उनको भगवान ही तो चलाता है। कौन चलाता है? भगवान चलाता है। तो ये भक्ति मार्ग में कहावत निकाल दी कि ज्ञानेश्वर ने क्या किया, दीवार के ऊपर बैठ गए और दीवार को चलाया। अब दीवार कैसे चलेगी? ये तो विघ्नों की दीवार की बात है, चैतन्य आत्मा की बात है, वो भी ज्ञान में चलती है। और एक बात बाबा, जो भक्ति मार्ग के लिए ज्ञानेश्वर ने जो गैस जैसा प्राणी है उसके हाथ पे, उसके सिर पे हाथ रखा और जो वेद बोले उच्चारण किया, उसका वेद भी क्या? वो सिर्फ कहावतें हैं, वो सिर्फ कहावतें हैं लेकिन कोई सच्चाई नहीं है। वो सिर्फ भक्ति मार्ग की भक्तों की अंधश्रद्धा है। जैसे सिख लोग कहते हैं कि गुरु नानक ने किसी को कहा कि हमारा शरीर जो है अगर इस तरह पड़ा हुआ है के पांव काबा की तरफ हैं, तो हमें घुमा करके उस तरफ कर दो जिधर काबा न हो। तो उसने पांव पकड़ के जहां घुमाया दूसरी तरफ तो उधर भी काबा दिखाई पड़ने लगा उसे। तो ऐसी ऐसी बातें भक्ति मार्ग में बनाई हुई हैं, वो कोई सच्ची बातें नहीं है। जैसे दिखाते हैं लंका जहां है वहां भारत से लेकर के लंका तक पुल बनाया,
अब वो पुल उन्होंने भक्ति मार्ग वालों ने ऐसी जगह बना दिया जहाँ समंदर ऊंचा ऊंचा उथला उथला है। भारत से लेकर के लंका तक जहाँ जहाँ उथला हुआ समुद्र देखा, कोई नैया से गया होगा नौका से, तो उथला उथला समुद्र ने रास्ते में मिला, तो वही ये परंपरा डाल दी। यहाँ क्या बनाया था? पुल बनाया था, ऐसा है ही नहीं कुछ। कंपिल में द्रौपदी कुंड बना हुआ, द्रौपदी कुंड में यज्ञ किया और यज्ञ की लपटों में से द्रौपदी पैदा हुई। ये बनाई हुई बात है या सच्ची बात है? ये बनाई हुई बात है। असलियत क्या है? ये ज्ञान यज्ञ कुंड है। जिस ज्ञान यज्ञ कुंड से, ये ज्ञान की बातों से साबित होता है कि द्रौपदी का पार्ट किसका है, किसकी बेइज्जती होती है संसार में। बेसिक वाले भी बेइज्जती करते हैं, एडवांस वाले भी बेइज्जती करते हैं, और दुनिया भी बेइज्जती करती है। नाम है द्रौपदी, कोई कितनी भी बेइज्जती करे लेकिन उसका ध्रुव पद है, उसके पद को कोई भी नीचे गिरा नहीं सकता। तो ये भक्ति मार्ग की दंत कथाएं हैं, इनमें सार कुछ भी नहीं है। जो बचपन से ही कन्या है, जब से ज्ञान में आई है तब से कुंवारी है, किसी ने उसको टच नहीं कर पाया, किसी ने उसके दिल को नहीं जीत पाया, इसलिए वो कुंवारी है। बाबा, ब्रह्मकेश्वर में ब्रह्मगिरी पहाड़ है, ब्रह्मकेश्वर में ब्रह्मगिरी पहाड़ है, तो वहाँ पर शंकर जी ने ऐसे बैठे हुए हैं, तो उनके घुटनों को भी स्पॉट है, निशान है घुटनों के, तो उनमें जटा पटकी हुई है, वहाँ से गंगा निकली हुई है, तो क्या वाकई में शंकर वहाँ आए थे बाबा? इसमें बेहतर आपसे क्या है? माने अगर ऐसी कोई मूर्ति बना दे, आज तो वैज्ञानिक युग है, ऐसी कोई मूर्ति बना दे, उस मूर्ति के टिपर में से पानी ढलकता रहे, तुम्हें दिखाई पड़ता रहे, तो वहाँ मूर्ति नहीं बताई गई है, ऐसे पहले आए थे वहाँ पर, वहाँ के बुजुर्ग लोग बताते हैं, निशान भी है वो घिसते निशान रह जाते हैं मूर्ति के। कोई बहुत पुरानी मूर्ति होती है, अगर उसको पानी पड़ता रहेगा तो वो ऐसा हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, नासिक में राम आए थे क्या? राम आए थे या नहीं आए थे, लेकिन अब आएंगे जरूर। वो भक्ति माता यादगार कालाराम मंदिर क्यों बोलते हैं? सीता राम कृष्ण सॉरी राम कृष्ण सीता काली क्यों दिखाई? क्यों कालाराम मंदिर? वो राम की आत्मा काली नहीं बनती है? वो द्वापर में ज्यादा काली बनती है कि कलयुग में ज्यादा काली बनती है? है? राम की आत्मा द्वापर में ज्यादा काली बनती है या इस्लामियों की आत्मा द्वापर में ज्यादा काली बनती है? राम वाली आत्मा द्वापर में नीचे उतरती है, और इस्लाम धर्म में जो कन्वर्ट हुई आत्माएं थी वो सत्युग त्रेता में देवता थी, और वो भी द्वापर में आके काली बनती है। ज्यादा काली द्वापर में कौन बनती है? राम वाली आत्मा ज्यादा काली बनती है, ज्यादा तमो प्रधान बनती है। अगर ज्यादा तमो प्रधान राम वाली आत्मा बनती है, तो सबसे पहले इब्राहिम की आत्मा राम में प्रवेश करनी चाहिए या इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले में प्रवेश करना चाहिए? जो ऊपर से आत्मा आती है वो तमो प्रधान में प्रवेश करती है या सतो प्रधान में प्रवेश करती है? तमो प्रधान में प्रवेश करती है। राम वाली आत्मा ने संगम युग में ज्यादा योग लगा के पावरफुल बनी है या इस्लाम धर्म की आत्मा ज्यादा योग लगा के पावरफुल बनती है? तो बाद में तमो प्रधान कौन बनेगा और पहले तमो प्रधान कौन बनेगा? राम वाली आत्मा बाद में तमो प्रधान। राम वाली आत्मा ज्यादा पावर भरी है इसलिए वो बैटरी अंत में डिस्चार्ज होगी, और इस्लाम धर्म की आत्मा
उन्होंने मुरली में तो सीख लिया अपवित्र नहीं बनना, तो अपवित्र होने वाली इंद्रियों को तो जबरदस्ती कंट्रोल कर लिया, लेकिन आंखों के ऊपर, आंखों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके। बुद्धि में ही नहीं आया कि हम अपवित्र बन रहे हैं, तो वो आंखों का व्यभिचार फैलाते रहे, तो कमजोर रहेंगे या पावरफुल बनेंगे? कमजोर हो गए। सबसे जास्ती इस्लाम धर्म की आत्माएं कमजोर हो जाती हैं, इसलिए द्वापर युग शुरू होते ही एकदम तमो प्रधान हो गई, और ऊपर से आने वाली आत्माओं ने प्रवेश करना शुरू कर दिया। राम वाली आत्मा तो अंतिम जन्म में आकर के तमो प्रधान बनती है सबसे जास्ती, बाकी तो जन्मों में वो विधर्मियों से टक्कर लेती रहती है। वहां 63 जन्म टक्कर लेती होगी, तो यहां टक्कर नहीं लेगी क्या? यहां शूटिंग पीरियड में टक्कर लेगी या नहीं लेगी? यहां भी टक्कर लेती है। ओम शांति।